Hey guys, welcome back to new channel. दोस्तों फिर से लेके आ चुका हूं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। आज के इस वीडियो में बात करने वाले एक बहुत ही बड़े प्रॉब्लम के ऊपर, स्पैम्स कॉल के ऊपर। तो गाइज, आपके फोन में बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं स्पैम्स कॉल में, अगर आप मीटिंग में रहे, फिर जो भी इमरजेंसी सिचुएशन में, डेफिनेटली उसमें बहुत ही बार आपका फोन रिंगिंग होने लग जाता है और उस समय आप यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो गाइज, कैसे आप यहाँ पे स्पैम्स कॉल को ब्लॉक कर सकते हो? जब भी स्पैम नंबर से आपको कॉल रिसीव हो, रिंगिंग करे, डेफिनेटली ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे कॉल ब्लॉक हो जाए, आप तक यहाँ पे रिंगिंग ही ना करे, आप तक वो सभी यहाँ पे स्पैम्स कॉल है। लगातार मेरे पास बहुत सारे स्पैम्स कॉल आते रहते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते होंगे अलग अलग कंपनी से। तो गाइस, आपको सिंपली करना क्या होता है, अपना डायलर पैड ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको राइट कॉर्नर में ऑप्शन देखने को मिल जाता है थ्री लाइन्स का, सिंपल आपको इस पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलता है हर एक फोन में, हर एक कंपनी के फोन में, चाहे वो रियलमी हो, चाहे वो ओप्पो हो, चाहे वीवो। सिंपल ये आपके यहाँ पे सेटिंग्स पे टैप कर देना है। टैप करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते होंगे एसएसटीव कॉलर आईडी एंड स्पैम। तो गाइस, सिंपल आपको इस पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, सी कॉलर एंड स्पैम आईडी, इसी के साथ फिल्टर स्पैम कॉल। तो गाइस, आपके सभी के फोन में यहाँ पे आपका जो पहला ऑप्शन है वो डिसेबल डिफॉल्ट यहाँ पे इनेबल रहता है, सी कॉलर एंड स्पैम आईडी। तो गाइस, अगर आप ये इसको इनेबल करके रखते हो, इनेबल रहता है, तो डेफिनेटली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा नंबर यहाँ पे स्पैम है, कौन सा नंबर स्पैम नहीं है। इसी के साथ साथ अब बात करते हैं कि कैसे आपको फिल्टर करना है, कैसे आपको यहाँ पे सस्पेंड करना है स्पैम्स कॉल को। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो फिल्टर स्पैम कॉल, सिंपली आपको यहाँ पे इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद अब आपके फोन में जितने भी कॉल्स आएंगे, अगर स्पैम कॉल होगा तो डेफिनेटली आप पे फोन रिंग नहीं करेगा, आप यहाँ पे सस्पेंड कर दोगे ऑटोमेटिकली, उनका कॉल आप तक नहीं पहुंचेगा। आपको देखने को मिलेगा डायल पैड में कि यहाँ पे कॉल आया था, मिस कॉल आया था, बट आपको यहाँ पे इन्फॉर्म नहीं करा जाएगा, आप तक यहाँ पे कॉल रिंगिंग नहीं होगा। सो गाइस, कुछ इस तरीके से आपको स्पैम कॉल के नंबर्स को ब्लॉक करना था। आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी हो, इस वजह से मत मिली हो इस जानकारी में हो, तो गाइस प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, माय चैनल को देना सब्सक्राइब, क्योंकि आप सभी के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए कुछ इस तरह के वैल्यूएबल कंटेंट लाते रहते हैं। तो गाइस, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।